हाँ जी, मैं दड़ुआ पिंड से आया हूँ, दड़ुआ गांव, और मेरा नाम गोपाल परियार है और मैं आगे नेपाल के रहने वाला हूँ, नेपाल परिवार में हूँ। और मेरे को 3 साल से शुगर की प्रॉब्लम थी और हमारे पिता विनोद परसुया ने मेरे लिए बहुत प्रार्थना किया और मेरे लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। और अभी पिछले हफ्ते मैं आया था यहाँ पे और पापा को मैंने बोला कि पापा मेरी शुगर बढ़ी हुई है, तो पापा ने कहा चलो ठीक है, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। और मैं दुआ पापा ने किया मेरे लिए, और उसके बाद फिर मैं ये 16 सेक्टर 5 किला में मैं काम करता हूँ, सिलाई मशीन की रिपेयर करता हूँ। और मशीन बड़ी बड़ी भारी होती है और उस मशीन को उठा के मैं क्वांटर में रख रहा था रिपेयर करने के लिए, तो मेरे को अचानक 2 बारी चक्कर आया, तो मालिक ने कहा क्या हो गया आपको, आप क्यों ऐसे लड़फड़ा रहे। तो मैंने कहा जी मेरी पता नहीं क्या बात है, शुगर बढ़ी है, क्या है, मैं चक्कर आ रहा। तो बाबू ने बोला कि आप ठीक है, आप जाके अस्पताल में चेक कराओ। तो मैं अगले दिन अस्पताल गया और मैं चेक कराया डॉक्टर को, और डॉक्टर ने बोला कि ऐसा करो आप अपना खून टेस्ट कराओ, उसके बाद फिर रिपोर्ट लेके मेरे पास आना। तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। उसके बाद मैं 2 घंटे के बाद अपना खून टेस्ट करके और डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाने गया, तो डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने जीभ काटा कि मेरे ओहो ये तू तो कैसे बचा हुआ है तू। तो फिर मैंने कहा अब मैं तो कितना शुगर था, मेरा शुगर था 502 था, 502 शुगर इनका डॉक्टर ने बताया, और 502 शुगर था। और डॉक्टर ने जीभ बोला कि आप कैसे जीवित हो, तो मैंने कहा कि मैं परमेश्वर यीशु के कारण जीवित हूँ। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो डॉक्टर ने कहा इतने में तो बंदे मतलब ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, उसने बोला। उसके बाद फिर मैं दोबारा फिर मेरी 10 दिन की उसने दवाई लिखी और मैं फिर 10 दिन के बाद गया। 10 दिन के बाद जब गया, जब पापा ने विनोद परसुया ने मेरे लिए प्रार्थना करी थी। आप 10 दिन बाद दोबारा चेकअप जब करवाने गए, उसके बाद आपने प्रार्थना करवाई, प्रार्थना कराया, और फिर उसके बाद आपने जाकर फिर चेकअप कराया, चेकअप करवाया, हाँ, फिर क्या आया? तो 110 आया है, बिल्कुल प्रेज़ द लॉर्ड। ये नॉर्मल शुगर है, ये लेवल बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अभी कितने दिन से बिल्कुल नॉर्मल है? हो गया लगभग हफ्ता दिन हो गया जी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक हफ्ते से, पहले 502 थी, अब एक हफ्ते से 110 शुगर है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आपको शुगर ऐसे होती थी तो क्या आपको महसूस होता था? मेरे को ये महसूस होती थी कि मेरे को चक्कर आते थे, मेरा मुख सूखता था, मुँह सूखता था, हाँ जी मुख सूखता था, और प्यास बहुत लगती थी। आपको ये जो शुगर थी ये कौन सी थी, ब्लड शुगर थी या यूरिन? मेरा यूरिन शुगर था, बाथरूम की, हाँ जी बाथरूम की। इनको बाथरूम की शुगर थी और बार बार बाथरूम आता था मेरा, बार बार बाथरूम आता, 10-15 मिनट के बाद मेरे बाथरूम बिल्कुल आते थी। और डॉक्टर कहते थे ज़्यादा पानी से पीने से भी मतलब तुम्हारा किडनी भी खराब हो सकता है, ज़्यादा पानी पीने से। ठीक है, अच्छा एक चीज़ आप और बताइए, जब आपकी ये शुगर बढ़ जाया करती थी तो आपको क्या महसूस होता था कि ऐसा लगता था कि मैं बचा रहूँगा या मर जाऊँगा, ऐसा कुछ? ऐसे तो मैं डरता नहीं था, अच्छा, क्योंकि मैं परमेश्वर के भरोसे था, अरे मरेगा भी मराएगा भी वही है जिएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। और एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कभी आपकी इस बीमारी से आप ज़्यादा परेशान हुए कि आपको लगा भी मेरी ये बीमारी जो है क्या कारण है, जा नहीं रही? हाँ, बोलता था प्रभु मैं मेरे को क्या गलती किया है, मैंने क्यों ऐसा मेरे को हो रहा है, मैं बार बार और दवाई खा रहा हूँ, दवाई भी इतनी महंगी महंगी है, बहुत महंगी है। और आपने कितने की दवाई 3 साल में अब तक लगभग खा चुके होंगे? मैंने अभी तक तो 30-40 हज़ार का खा लिया होगा ये दवाई। 30-40 हज़ार की ये अब तक, जब तक इनको 3 साल पहले से, हाँ 3 साल पहले से, ये एक अंदाज़ा बता रहे हैं कि इतना मैं दवाई खा चुका होगा। लेकिन अभी दवाई खाते हैं या छूट गई? दवाई अभी फिलहाल खा रहा हूँ, दवाई तो थोड़ी बहुत खा रहा हूँ, अच्छा ज़्यादा नहीं खा रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, परमेश्वर वो भी छुड़वाने की सामर्थ्य। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
जब आप यहाँ पर आए तो आपको आकर यहाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जब से मैं यहाँ आ रहा हूँ तब से मेरा शुगर भी बिल्कुल कम हो गया है, नॉर्मल हो गया है, और काम कारो भी बिल्कुल सही चल रहा है। काम काज भी ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है, शुगर भी नॉर्मल हो गया। हाँ जी। और एक चांस मतलब चॉइस था एक गाड़ी लेने के लिए, एक्टिवा लेने के लिए, और इनकी दिली तमन्ना थी एक्टिवा लेने की, लेने की, लेकिन मेरे पास एक रुपया नहीं था। लेकिन इस एक बंदे से मैंने बोला 15,000 मेरे को दे दे, लेकिन उस बंदे ने एक ही बार मेरे को 15,000 दिया। मैंने गाड़ी अभी निकाला हूँ, 3 महीने को मेरे को हो गए गाड़ी निकाले हुए। अभी एक्टिवा आपके पास है? हाँ जी, मेरे पास। वाओ, ये एक्टिवा निकलवा चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपको जो ये शुगर की प्रॉब्लम होती थी, आप बार बार डॉक्टर के पास जाते थे। हाँ जी। है ना, तो कभी ऐसा लगा कि यार मैं, मेरा डॉक्टर के पास जाने से कब छूटेगा ये समय? हाँ, ये सोचता था अभी। सोचता? हाँ जी। क्या सोचते थे? सोचता था कि कब छूटेगा ये, मैं इससे तंग हूँ ज़्यादा, और ना खाने को अच्छा खाना मिलता है, और ना इसमें कोई चीज़ की सुविधा। हर डॉक्टर का एक ही शब्द होते थे या अलग अलग शब्द होते? डॉक्टर का तो सब एक ही का शब्द, एक ही होता था। एक ही शब्द होता? हाँ, एक ही शब्द होता था कि डॉक्टर कहते थे ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, हाँ ये परहेज करो, वो परहेज करो कहते थे। लेकिन अब मेरा दिल मानता नहीं था, मैं परहेज नहीं करता, खाता पीता हूँ। अच्छा। और हाँ, मीट मछली भी मना करते हैं। पीते, पानी पीते ना? पानी पीते नहीं, और गलती से काम नहीं करता। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, एक और मैं आपसे बात पूछना चाहूँगा, जब आप यहाँ पर पहली बार आए तो आपको क्या लगा कि आप अपनी बीमारियों से छुटकारा पा पाएंगे या नहीं? नहीं, मेरे को विश्वास था कि मैं छुटकारा पाऊंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु आपको आशीष दे। और अभी जब आप चंगाई महसूस कर रहे हैं, हाँ जी, चंगाई, तो मतलब कैसा आनंद है आपके अंदर? आनंद ऐसा है, पहले मेरा शरीर बिल्कुल जैसे काफी बंदियों ने पीटा होता है ऐसे शरीर होता था। अच्छा। अब बहुत हल्का शरीर है। अच्छा, क्या लगता था कि जैसे किसी ने मारा हो? थका, शरीर में दर्द है, थकावट ऐसा लगता था। अभी आप बिल्कुल? प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और कुछ? कभी कभी जैसे शुगर का लेवल बढ़ने के कारण, हाँ जी, कभी आपको ऐसा लगा भी शायद मतलब मर जाना ठीक है या जीवित रहना? नहीं नहीं, वो सोच नहीं आती मेरे, वो सोच वो नहीं है, जीवित रहने की ऐसा हो जाना वो नहीं, बिल्कुल है जीवित रहने की, जीवित रहने की है बस, ये है कि आमीन, जैसा भी बचा लेगा। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा, एक चीज बताओ, बहुत से लोग हैं जिनको यहाँ पर आए हुए हैं जो जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, क्या आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहता हूँ, अगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आते हैं और वो सोचते हैं आज ही बस खत्म हो जाए, है ना, कई लोग ऐसे भी हैं वो सोचते हैं बस आज वो हाथ रखेंगे और आज के बाद शुगर मुझे ज़िंदगी में कभी नहीं आएगी, तो क्या आपको जैसे मतलब आप उनको क्या बताना चाहेंगे? कि ये बताना ये चाहता हूँ, अगर शुगर वाले जितने भी मरीज़ हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें, आप लगातार चर्च में आते रहे, और डॉक्टर से भी, डॉक्टर हमारा बाप पिता है, परमेश्वर पिता है, वही चंगा करेगा, उसके ऊपर आप भरोसा करें। सबको जय मसीह मेरी तरफ से। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह।